Good morning, students. We are going to revise the chapter business studies today, as we'll be conducting its test today. So let's start with the meaning of business services. Business services bete refer to those kind of services which are essential for the conduct of business activities. ठीक है, आजकल बिजनेस में इतना कॉम्पिटिशन है, सो द बिजनेस हाउसेस दे आर बिकमिंग डिपेंडेंट ऑन द स्पेशलाइज्ड बिजनेस सर्विसेज. ठीक है, दे आर बिकमिंग मोर एंड मोर डिपेंडेंट ऑन द स्पेशलाइज्ड बिजनेस सर्विसेज. सो जो बिजनेस एंटरप्राइजेस हैं, दे लुक टुवर्ड्स बैंक for the availability of funds, they look towards insurance companies for getting their buildings, their plant machinery insured, they look towards communication services, telecom, postal, even internet is a communication facilities, so they look towards these facilities to get in touch with their vendors, their suppliers and their customers. They also look towards warehousing for storing their goods, right, so that so as to create place utility in them, time utility in them. Sometimes goods are not required throughout the year, so in order to, but they are produced throughout the year, so in order to maintain their usefulness, they are kept in godown till the time they are required. Then they also look towards transportation facilities for transporting their raw material and finished goods. ठीक है, so ये सारी business services है जो कि आज के time पे हमेशा से important रही है businessman के लिए, लेकिन आज के time पे क्योंकि जो बिजनेस है वो काफी उसमें कंपटीशन आ गया है, तो इसीलिए ऑल द बिजनेस हाउसेस आर यू नो लुकिंग टुवर्ड्स दीज स्पेशलाइज्ड सर्विसेज. दे आर बिकमिंग मोर एंड मोर डिपेंडेंट ऑन दीज बिजनेस सर्विसेज. सो इन योर 10th क्लास आल्सो यू मस्ट हैव स्टडीड इन द चैप्टर ऑफ इकोनॉमिक्स सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी दैट टर्शियरी सेक्टर इज गेनिंग इम्पोर्टेंस. आज हमारी जो जीडीपी की सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन है वो टर्शरी सेक्टर से आ रही है, और हमारी इकोनॉमी में जितने हमारी पॉपुलेशन का सबसे ज्यादा परसेंटेज टर्शरी सेक्टर में इंप्लॉयड है. ठीक है, सो दिस फैक्ट दिस डेटा आल्सो पॉइंट्स टुवर्ड्स द फैक्ट दैट दीज आर एज्यूमिंग बिजनेस सर्विसेज आर एज्यूमिंग इंपॉर्टेंस दीज डेज, राइट. सो बेटे वी हैव इन अवर सिलेबस two types of services, one is banking and another is insurance. So what is a bank? It's a financial institution which performs two main functions. One, it accepts deposits from the general public and advances loan to the people who are in need of funds. So, ये जो दो फंक्शंस हैं इन्हीं को डिस्कस करना है हमने. फर्स्ट इज एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स. व्हाट टाइप ऑफ डिपॉजिट्स आर एक्सेप्टेड बाय द कमर्शियल बैंक्स? यस, नेम. सेविंग डिपॉजिट्स, करेंट डिपॉजिट्स, फिक्स्ड डिपॉजिट्स, रेकरिंग डिपॉजिट्स एंड मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट. सो as we have already gone through these types of deposits, let me just tell you in brief their features. Saving deposit account, generally opened by the salaried people or even those people who want to mobilize their small savings. Such types of deposits are opened to encourage the habit of savings among the general public. So and they can deposit any quantity of savings they have
कोई फिक्स्ड क्वांटिटी फिक्स सम नहीं है जो उनको बैंक में डिपॉजिट कराना है। हाँ, एक मिनिमम अमाउंट होता है जिससे आप ये अकाउंट खुलवा सकते हैं, जो कि आजकल आई गेस अर्बन एरियाज में 1000 और रूरल एरियाज में 300 रुपीज चल रहा है। इनमें जो भी आप अपनी सेविंग्स रखेंगे, आपको उसके ऊपर कुछ इंटरेस्ट देता है बैंक, आप उसको जब चाहो विदड्रॉ करवा सकते हो, ठीक है, जब चाहो एडिशनल मनी उसमें डिपॉजिट करवा सकते हो। हाँ, आप ये नहीं कि एन नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स कर सकते हो एक दिन में, एक दिन में कितनी ट्रांजेक्शन्स आप सेविंग बैंक से कर सकते हो उसके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं। यू कांट यू नो गो टू द बैंक एन नंबर ऑफ टाइम्स एंड विदड्रॉ योर मनी और डिपॉजिट योर मनी, देर आर सर्टन रिस्ट्रिक्शंस। देन एनी टाइम यू वॉन्ट यू कैन विदड्रॉ योर होल ऑफ द अमाउंट फ्रॉम द बैंक। सो दीज डिपॉजिट्स आर ऑल्सो रेफर टू एज डिमांड डिपॉजिट्स बिकॉज यू कैन विदड्रॉ मनी ऑन डिमांड। दीज आर ऑल्सो रेफर टू एज चेकेबल डिपॉजिट। वाई? बिकॉज यू गेट द फैसिलिटी ऑफ चेकबुक अगेंस्ट दीज बैंक्स, ठीक है। सो दीज आर सेविंग डिपॉजिट्स। सेकेंड इज करंट डिपॉजिट्स। करंट डिपॉजिट्स आर जनरली ओपन्ड बाय बिजनेसमैन। दे ओपन दीज डिपॉजिट्स नॉट टू यू नो डिपॉजिट देयर सेविंग्स। अगर उनको अपनी सेविंग्स के लिए करना है वो सेविंग अकाउंट खोलेंगे एक अपना अलग से, लेकिन करंट अकाउंट जनरली बिजनेसमैन खोलता है और अपनी फर्म के नाम का खोलता है। अगर आप बैंक में जाके बोलोगे ना मेरे को करंट डिपॉजिट खोलना है, वो आपसे पूछेंगे आपकी फर्म का नाम क्या है, उसके नाम का खोल देते हैं। सो यू विल रियलाइज दैट दिस इज फॉर बिजनेसमैन। आप बोलोगे नहीं मैंने तो अपनी सेविंग के हैबिट के लिए खोलना है, देन दे विल गाइड यू टू ओपन अ सेविंग बैंक। सो करंट डिपॉजिट में क्या होता है बेटे, दीज आर ओपन बाय द बिजनेसमैन टू फैसिलिटेट देयर ट्रांजेक्शंस डेली लाइफ में। उनको एन नंबर ऑफ ट्रांजेक्शंस करनी है, कभी उनको विदड्रॉल करना है, कभी उनकी पेमेंट आ रही है बैंक में जमा करानी है, कभी उनको पेमेंट करनी है ना। जो बिजनेस फैमिलीज को बिलोंग करते हैं उनको पता होगा कि कितनी डेली की ट्रांजेक्शंस करनी पड़ती हैं एक बिजनेसमैन को। सो क्योंकि सेविंग बैंक में तो रिस्ट्रिक्शंस हैं, आप इतनी ज्यादा ट्रांजेक्शंस नहीं कर सकते, इससे ज्यादा एक दिन में विदड्रॉ नहीं करवा सकते, लेकिन करंट अकाउंट में ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। सो इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट योर यू नो बिजनेस ट्रांजेक्शंस यू ओपन और अ बिजनेसमैन ओपन्स करंट अकाउंट। करंट अकाउंट में भी आपको चेकबुक की फैसिलिटी मिलती है, तो आप अपनी ट्रांजेक्शंस चेक के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। सो आप जब मर्जी जितने मर्जी पैसे निकलवा सकते हो, दैट्स व्हाई दीज आर आल्सो रेफर टू एज डिमांड डिपॉजिट्स एज वेल एज चेकेबल डिपॉजिट। सेविंग और करंट अकाउंट ये दोनों कौन से डिपॉजिट्स हुए? डिमांड डिपॉजिट। क्लियर? ओके, यू गेट वन मोर फैसिलिटी अगेंस्ट करंट डिपॉजिट, दैट इज बैंक ओवरड्राफ्ट। दैट इज यू कैन विदड्रॉ मनी from your current account over and above the amount you are having in your account, ठीक है। आपका जितना balance है आप उससे ज्यादा money withdraw कर सकते हैं। क्या ये facility हर customer को मिलती है? Limited customer को? कई बारी bank खुद दे देता है, कई बारी आपको खुद bank को request करनी पड़ती है कि अभी मेरे को ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी चाहिए। आजकल बेटे बैंक्स में भी इतना कंपटीशन है कि आपको बैंक वाले भी फोन कर करके कहते हैं लोन ले लो, इजंट इट? दे वांट टू ऑफर यू लोन, क्योंकि बैंक क्या है? कमर्शियल एंटरप्राइज है, प्रॉफिट मेकिंग एंटरप्राइज है। हाउ आर दे मेकिंग प्रॉफिट? व्हाट आर दे प्रोड्यूसिंग? आर दे प्रोड्यूसिंग एनी गुड? दे आर प्रोड्यूसिंग सर्विस, सो दे हैव टू सेल देयर सर्विस टू यू। सो वन ऑफ देयर सर्विस इज ऑफरिंग लोन। ऑन लोन दे गेट, दे अर्न इंटरेस्ट, ठीक है। सो दैट इज देयर प्रॉफिट बेसिकली। सो दैट्स व्हाई दीज डेज बैंक्स इवन ऑफर
यू नो आप दे डू ऑफर यू ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, उससे उनका क्या फायदा है? ओवरड्राफ्ट का मतलब समझ में आ गया? आपके अकाउंट में है 10 लाख रुपए, बैंक ने आपको ओवरड्राफ्ट की लिमिट दे दी 1 लाख रुपया, तो आप अपने बैंक से 11 लाख तक विदड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। अब ये जो आपने 1 लाख ओवर एंड अबव अपना बैलेंस विदड्रॉ किया है, ऑन दिस यू हैव टू पे इंटरेस्ट। हाउ मच इंटरेस्ट? जितना बैंक के साथ आपका टर्म्स कंडीशंस है, टर्म्स ऑफ क्रेडिट के ऊपर डिपेंड करेगा। और कितने दिन के लिए देना पड़ेगा? जितने दिन आपने यूज किया, अगर आपने 50 डेज यूज किया, 50 डेज के बाद 1 लाख अपने अकाउंट में डिपॉजिट करा दिया, ठीक है, इसका मतलब आपको इंटरेस्ट कितने के ऊपर पड़ेगा? 40 डेज के ऊपर पड़ेगा, ठीक है। सो कई बार ये आप 6 महीने तक भी यूज कर लेते हैं, ये भी बैंक के साथ। बेटे बैंक जब आप ओवरड्राफ्ट लेते हो ना, तो बैंक बता देता है आपकी लिमिट इतनी होगी, आप कि इतने टाइम पीरियड के लिए आप ओवरड्राफ्ट ले सकते हो, इससे एक्सीड नहीं कर सकते। अगर आप उससे एक्सीड करते हो तो पेनाल्टी पड़ती है, पेनाल्टी इन द फॉर्म ऑफ हाई इंटरेस्ट। गॉट इट? सो दीज आर टू टाइप्स ऑफ डिपॉजिट्स विच आई हैव डिस्कस्ड। थर्ड टाइप ऑफ डिपॉजिट, टर्म डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट, जिस मर्जी नाम से बुला लो, फिक्स डिपॉजिट, टर्म डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट्स। So these are the deposits which are deposited with the bank for a specified period of time. मतलब जब आपने FD का account खोला, तो आपने सबसे पहले bank ने आपसे ये question पूछना है, कितने time period? Time period could be as short as 10 days. It could be as long as 10 years. ठीक है, आप 45 days की FD खुलवा लो, आप 3 months की खुलवा लो, आप 1 year की खुलवा लो, आप 3 years की खुलवा लो, 5 years की खुलवा लो, लेकिन जितने टाइम पीरियड की आपने खुलवाई, आप उससे पहले अपनी मनी विदड्रॉ नहीं कर सकते, ठीक है। सो फिक्स ड्यूरेशन के लिए है, इसीलिए इसको कहते हैं फिक्स्ड डिपॉजिट। तो क्योंकि आपको मैच्योरिटी पर ही मिलनी है, तो चेकबुक की कोई रेलेवेंस ही नहीं है, ठीक है। दिस अकाउंट विल नॉट वर्क एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, इट इज नॉट योर मनी, क्योंकि आप इसको यूज, इसके अगेंस्ट चेकबुक की फैसिलिटी नहीं मिलेगी, ठीक है। अब इसके ऊपर इंटरेस्ट हाई होगा या लो होगा एज कंपेयर टू सेविंग्स? रीजन, वी आर डिपॉजिटिंग अवर फंड्स फॉर अ फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम, नॉट नेसेसरली लॉन्ग पीरियड, वी कुड, इट कुड बी फिक्स्ड, लेकिन बैंक को पता है, हाँ अगर 10 दिन की भी कराई, 10 दिन से पहले ये नहीं आएगा, मैं उसके फंड्स यूज कर सकता हूँ, ठीक है। करंट अकाउंट के ऊपर नॉर्मली बहुत ही नॉमिनल इंटरेस्ट होता है, और कई बारी तो बैंक इंटरेस्ट चार्ज करते हैं कस्टमर से कि भाई तू तो हमारी सर्विसेज अवेल कर रहा है, हम तो फंड्स तो है नहीं तेरे करंट अकाउंट में, तो आते हैं आवाजाही है बस फंड्स की, सुबह आए शाम को निकल गए, सो यू हैव टू पे अस चार्जेस फॉर होल्डिंग करेंट अकाउंट, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फिक्स डिपॉजिट का। और आजकल थोड़े से बेटे बैंकिंग में बहुत फ्लेक्सिबिलिटी आ गई है, पहले टाइम में ऐसे होता था अगर FD 10 साल की है तो 10 साल से पहले विदड्रॉ ही नहीं कर सकते थे, लेकिन आज ऐसा नहीं है, आज अगर आपको पहले पैसों की जरूरत पड़ गई आप विदड्रॉ कर सकते हो, आपको बैंक में चक्कर भी नहीं, इमीडिएटली बैंक आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर देगा, हाँ आपका कुछ इंटरेस्ट जो है पेनल्टी की तरह वो डिडक्ट हो जाएगा। गॉट इट? है उतना ही लिक्विड जितना सेविंग अकाउंट है, लेकिन फिर भी एक फिक्स्ड के लिए जब करवाए हैं लोगों ने, तो कम ही टेंडेंसी होती है, या कुछ परसेंटेज ही उससे मैच्योरिटी से पहले विदड्रॉ करवाते हैं। गॉट इट? ओके, देन कमिंग टू रेकरिंग डिपॉजिट, अगेन इट इज अ वेरी गुड मोड ऑफ सेविंग्स और फिक्स्ड सेविंग। कई बार आपने सेविंग अकाउंट खोल लिया, आपके पेरेंट्स ने खुलवा दिया कि बेटे पॉकेट मनी में से इतना परसेंटेज ना डिपॉजिट करवा दिया करो,
लेकिन फिर भी आप कि आप इतने खर्चीले हो, एक्स्ट्रावेगेंट हो, आपके पास कुछ नहीं बचता, पॉकेट मनी सारी की सारी खर्च हो जाती है। तो अगर आपके ऊपर कंपल्शन होगी कि भी नहीं इतने करवाने ही करवाने हैं, अगर आपने किसी के साथ फिक्स किया हुआ है, तो फिर आप कंपल्सरिली सेविंग्स करोगे ना। सो ऐसा ही मोड है रेकरिंग डिपॉजिट, आरडी। इसमें आपने जब आरडी खुलवाई, रेकरिंग डिपॉजिट मतलब बैंक को बताया कि भी मैं एवरी मंथ इतनी अमाउंट आपके अपने बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कराऊंगा, इतने टाइम पीरियड के लिए कराऊंगा। मैंने आरडी खुलवाई, दैट डे आई वाज टेलिंग यू अबाउट योनो ऐप ऑफ एसबीआई। तो दैट डे आई वाज जस्ट गोइंग थ्रू द मेन्यू, मैं देख रही थी कौन कौन सी सर्विसेज ऑफर करता है मेरा बैंक। सो आई केम अक्रॉस देयर वाज अ सर्विस ऑफ रेकरिंग डिपॉजिट। जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मैंने वो फॉर्म भर दिया, 2,000 रुपीज पर मंथ फॉर 2 ईयर्स कर दिया, इमीडिएटली वो आरडी जनरेट होगी। ठीक है, तो अब मेरे को हर महीने अपने बैंक में 2,000 रुपीज, मैंने ऑटो डेबिट फैसिलिटी दे दी क्योंकि मेरा सेविंग अकाउंट है उस बैंक में, तो उसमें क्या होगा, मेरे अकाउंट में से 2,000 डेबिट हो जाएंगे और आरडी के अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे। ठीक है, अब आप बोलोगे मैम एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में डाला, फायदा क्या हुआ, बता सकते हो क्या फायदा होगा मुझे? इंटरेस्ट, वहां पे मेरे को कुछ 2.5 या 3% मिल रहे हैं, यहाँ पे मेरे को, यहाँ भी कमी हुआ हुआ है, 4.9 के 5% था। ठीक है, और एनी अदर रेगुलर मेरी सेविंग होती जाएगी। ऐसे हो सकता है मैं सारे पैसे खर्च दूं, ऐसे मेरी एक रेगुलर सेविंग्स बन गई, फिर मेरे को लमसम में मिल जानी है मेच्योरिटी में, तो मैं कोई अपना एसेट खरीद सकती हूँ। ठीक है, सो स्मॉल सेविंग्स अगेन एनकरेज करने के लिए, रूटीन सेविंग्स की रूटीन बनाने के लिए ये बहुत अच्छा एक अकाउंट है। आप 1 साल की आरडी करा सकते हो, 2 की करा सकते हो, 3 की करा सकते हो, 5 की करा सकते हो। एट द एंड ऑफ द स्पेसिफाइड टाइम पीरियड यू विल गेट लमसम अमाउंट अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट देयर ऑन। ओके, वन मोर थिंग, एफडी भी 2 तरह की होती है बेटे। एक एफडी होती है आपको मेच्योरिटी पे लमसम जितना आपने प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट वो मिल जाएगा, दूसरी एफडी होती है मंथली इनकम स्कीम, MIS, सुना कभी MIS? तो लेट अस से आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं, उनके पास 20 लाख रुपए पड़े हुए हैं, लेकिन अब वो इस एज में ना तो वो कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन उनको एक रेगुलर इनकम चाहिए। अब वो ये तो नहीं है कि 20 लाख खर्चते जाए, 20 लाख में से हर महीने पैसे निकलवाते जाएं और खर्चते जाएं, ऐसे क्या होगा, उनका फंड एग्जॉस्ट हो जाएगा। ठीक है, 2 सालों में 20 लाख खत्म हो गए, फिर क्या करेंगे, कहाँ से वो कहेंगे हमें तो अपनी इनकम चाहिए, हमने तो इंडिपेंडेंटली रहना है। अब उसका एक सोर्स क्या है, आप एफडी करा दो बैंक में और बैंक को बोलो हमें इंटरेस्ट मेच्योरिटी पे नहीं चाहिए, 5 साल की चाहे आप फिक्स्ड अमाउंट रखो, 5 साल की एफडी करा दी, लेकिन जो इंटरेस्ट आ रहा है ना उसके ऊपर वो मुझे मंथली चाहिए, उसको कहते हैं मंथली इनकम स्कीम। तो मंथली आपके अकाउंट में जो इंटरेस्ट क्यूमुलेट होना था वो क्यूमुलेट नहीं होगा, वो इंटरेस्ट आपके अकाउंट में आ जाए। तो फिर 10 सालों बाद आपको कितना मिलेगा अमाउंट, 20 लाख की अगर एफडी कराई तो 20 लाख ही मिले, इंटरेस्ट क्यों नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट साथ साथ खा लिया। ठीक है, सो दिस इज अगेन अनदर डिवाइस फॉर से फिक्स्ड इनकम ग्रुप पीपल, विच में इंक्लूड इवन एल्डरली पीपल, रिटायर्ड पीपल। ठीक है, ओके, लास्ट टाइप ऑफ डिपॉजिट, मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट। इसमें क्या होता है, इट्स अ मिक्सचर ऑफ सेविंग एंड फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। ठीक है, तो आपके सेविंग अकाउंट में आपका सारी सेविंग्स जा रही हैं और आपकी सेविंग्स ज्यादा हैं, या अगर कम भी हैं तो भी आपको लगता है कि आप बहुत एक्स्ट्राविगेंट हो, आप सारे के सारे जितना अकाउंट होता है सारा का सारा खाली कर देते हो, खर्च देते हो, बट यू वॉन्ट, नाउ यू वॉन्ट टू इनकलकेट सेविंग हैबिट।
तो आपने क्या किया, आपने मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट, अपने सेविंग को मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट में कन्वर्ट कर लिया। तो उसमें वो आपसे एक लिमिट पूछेंगे, तो आपने बोल दी 50,000। इसका मतलब आपके अकाउंट में जब भी 50,000 से ज्यादा की अमाउंट होगी, दैट विल बी ऑटोमेटिकली ट्रांसफर टू योर फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। ठीक है, अगर मेरे को 1,00,000 का चेक किसी ने पेमेंट करी, मैंने वो अपने अकाउंट में लगाया, अब मेरे अकाउंट में हो गए 1,50,000, तो ऑटोमेटिकली वो 1,00,000 रुपीज द वेरी नेक्स्ट वर्किंग डे या वर्किंग आवर मेरे सेविंग से निकल जाएंगे और मेरे फिक्स डिपॉजिट में आ जाएंगे। इसका क्या फायदा? ओके, वन थिंग इज यू विल बी फेचिंग मोर इंटरेस्ट, एफडी का इंटरेस्ट मिलेगा, और आपका चेक डिसऑनर नहीं होगा। आपके अकाउंट में बैलेंस कम है, लेकिन अगर एफडी में पड़ा हुआ है, आपको नहीं मालूम आपके अकाउंट में कितने पैसे हैं, आपने 1,25,000 रुपए का चेक काट के दे दिया, बाद में पता चला आपके अकाउंट में कितने हैं 50,000, तो 75,000 आपका बैंक ऑटोमेटिकली फिक्स डिपॉजिट में से निकलवा के आपका चेक क्लियर कर देगा। और एनी अदर एडवांटेज बेटे, जितना अकाउंट आपके सेविंग में पड़ा हुआ है ना, उतने के ऊपर फ्रॉड हो सकता है, साइबर क्राइम, पता है ना आपको क्या होता है, हैक, फोन हैक करके या आपके कार्ड्स वगैरह हैक करके, या आपका एटीएम कार्ड गुम गया, मिसप्लेस हो गया, उसको यूज करके किसी ने आपके पैसे विदड्रॉ करवा लिए। लेकिन इस केस में कितने विदड्रॉल हो सकते हैं, जितने आपके सेविंग अकाउंट, तो एक सेफ्टी का इशू भी हो जाता है। ठीक है, इशू नहीं हो जाता, मतलब यू आर मोर सेफ, यू आर सेफर, गॉट इट, दीज आर द टाइप्स ऑफ। विदड्रॉ करते हुए भी, हाँ नहीं फिर वो नहीं आएगा ना, वो अगर बैंक यहाँ तो आपको मैसेज करके पूछेगा कि भी ऐसे आपके बैंक में से ट्रांजैक्शन हो रही है 60,000 की, सो इफ यू परमिट, तो आपके अकाउंट में इतने पैसे हैं, बाकी एफडी में, अगर आप परमिट करते हो तो आपकी परमिशन से हम ट्रांसफर कर दें। ठीक है, आजकल बैंक थोड़ा ज्यादा, मैंने बताया भी था शायद आपको, सेफ हो गए हैं। अगर कोई बेरर चेक आता है ना आपके नाम का, तो बैंक पहले आपको कॉल करके पूछ लेते हैं और मैसेज भी कर देते हैं कि भी आपके नाम का ये चेक लगा हुआ है, वी आर अबाउट टू क्लियर, अगर आपने नहीं काट के दिया ना तो इमीडिएटली कॉल एट दिस नंबर। ठीक है, ओके, देन बेटे बैंकिंग सर्विसेज, बैंक ड्राफ्ट एक इंस्ट्रूमेंट है फंड्स को रिमिट करने का एक जगह से दूसरी जगह। बैंक ड्राफ्ट कैसे बनता है, बैंक ड्राफ्ट कैसे बनता है, जरूरी है नहीं है कि आपका उस बैंक में अकाउंट हो, जिस भी बैंक का आपको ड्राफ्ट चाहिए। बैंक ड्राफ्ट क्यों चाहिए, क्योंकि आपने किसी थर्ड पार्टी को पैसे रिमिट करने हैं, ठीक है, प्रॉस्पेक्टस मंगवाना है कॉलेज से, तो 500 रुपए का ड्राफ्ट उन्होंने मांगा है, तो जिस बैंक का मांगा है आप उस बैंक में जाइए, वहां उनको 500 रुपए प्लस थोड़ी सी कमीशन चार्ज करेगा बैंक, वो दीजिए और वो आपका बैंक ड्राफ्ट बना देंगे। ये बैंक ड्राफ्ट आप सेंड कर दीजिए थर्ड पार्टी को, वो अपने बैंक में जाएगा, शो करेगा और उसको कैश में कन्वर्ट करा लेगा, तो इसका ये डिसऑनर नहीं होता कभी भी। सो आपका कॉलेज कभी भी चाहेगा कि आपसे चेक मंगवाए और आधे चेक डिसऑनर हो जाए, कोई ऐसी मजाक में चेक भेज दे और वो बैंक की लाइनों में लगा हुआ है चेक को कैश कराने के लिए, और वो कहता नहीं ये तो फेक चेक है, इसके अकाउंट में पैसे नहीं है, सो यू वुडंट वांट दैट, है ना, तो इसीलिए वो सेफ रोल प्ले करता है अपना। और क्या ही आस्क्ड फॉर, बैंक ड्राफ्ट, सो दिस इज वन फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय द बैंक। अनदर, बैंक ओवरड्राफ्ट आपको पता चली गई है। कैश क्रेडिट, कैश क्रेडिट में क्या होता है, बोरोअर इज अलाउड टू विदड्रॉ अ स्पेसिफाइड अमाउंट अगेंस्ट सम सिक्योरिटी। आपने कैश क्रेडिट फैसिलिटी अवेल की है, कैश क्रेडिट का मतलब आपके अकाउंट में
बैंक पैसे डाल देगा, लेकिन पैसे ऐसे नहीं डालेगा, कोई सिक्योरिटी मांगेगा। तो आपने जो भी सिक्योरिटी डिपॉजिट कराई, लेट अस से उसकी वैल्यू है 10 लाख रुपए, तो बैंक ने कहा मैं 1 लाख का मार्जिन रखूंगा, 9 लाख रुपए उसने आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिए। नाउ यू कैन यूज दिस अमाउंट एज एंड व्हेन यू रिक्वायर। हो सकता है आपको 1 लाख की जरूरत पड़ी, आपने 1 लाख विदड्रॉ करा लिया। अगर आपने 1 लाख विदड्रॉ कराया, बैंक ने आपके अकाउंट में 9 लाख डाले हुए, लेकिन आपने कितना यूज किया, 1 लाख, तो आपको इंटरेस्ट कितने के ऊपर देना पड़ेगा, 1 लाख के ऊपर। ठीक है, सो अ बिट सिमिलर टू द ओवरड्राफ्ट, बट हेयर सिक्योरिटी इज देयर एंड यू नीड नॉट ओपन करंट अकाउंट विद द बैंक। ऑल राइट, नेक्स्ट है बेटे टाइप्स ऑफ डिजिटल पेमेंट्स। अब हमने जितने भी एक्चुअली में डिस्कस किए ना कि चेक काट के देते हैं, अभी भी चल रहे हैं, लेकिन ये एक तरह से आउटडेटेड मोड्स हो गए हैं। अभी आजकल रिसेंटली हम पेमेंट किससे करते हैं, डिजिटली करते हैं, स्पेशली जो जिनकी बिजनेस में बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी है वो डिजिटल पेमेंट्स में बिलीव करते हैं। जो ट्रांसपेरेंट सी नहीं शो करते, जैसे कईयों ने हाउस नेबरहुड में शॉप खोली हुई है, उनको चाहे 10,000 इनकम आए, 20,000 इनकम आए, वो टैक्स नहीं भरते, वो डिजिटल पेमेंट का यूज नहीं करते। लेकिन जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है उसमें आजकल डिजिटल पेमेंट्स का ही कल्चर चल रहा है। सो व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ डिजिटल पेमेंट्स? One is banking cards. Cards are of two types, credit and debit. तो मैंने explain किया हुआ, मुझे difference बता दो, आप लोग खुद बताओ क्या difference है दोनों में? Anyone? What's the difference between debit and credit cards? Okay. Debit card जब आप use करते हो तो जितने amount आप withdraw कर रहे हो या किसी के अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हो या शॉपिंग कर रहे हो, वो आपके अकाउंट में होने चाहिए उतने पैसे, आपके अकाउंट में से डेबिट होते हैं वो, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज डेबिट अकाउंट, डेबिट कार्ड। ऑन द अदर हैंड क्रेडिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड आपके अकाउंट में नहीं भी पैसे, इवन देन यू कैन अवेल क्रेडिट, दैट्स व्हाई दे आर रेफर टू एज क्रेडिट कार्ड्स। ठीक है, और क्या डिफरेंस है दोनों में, डेबिट और क्रेडिट कार्ड में? जब आप अकाउंट खुलवाओगे आपको डेबिट कार्ड ऑटोमेटिकली, जिस तरह से चेकबुक मिलता है उसी तरह से आप डेबिट कार्ड की फैसिलिटी ले सकते हो, लेकिन क्रेडिट कार्ड हर एक को नहीं मिलता। ठीक है, एक वैल्यूड कस्टमर्स को और एक लिमिट होती है क्रेडिट की, ठीक है, वो उतना ही आप क्रेडिट अवेल कर सकते हो जितना आपका बैंक आपको दे रहा है। राइट, सो रेस्ट वी विल डू टुमारो, टुडे देयर इज टेस्ट बेटे, सो बी प्रिपेयर्ड फॉर द टेस्ट, और देना है सबने।